व्हाट्सएप गाइस, अगर आप भी भाई अपने नॉर्मल से वीडियो कुछ इस प्रकार से जस्ट वन क्लिक में एडिटिंग करना चाहते हैं तो भाई आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए। इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे भाई आप अपने वीडियो को कुछ पैसे एडिट कर सकते हैं जस्ट वन क्लिक में। तो भाई हम इस तरीके की वीडियो को एडिटिंग करने के लिए यहाँ पे आपको पहले वीपीएन से कनेक्ट हो जाना होगा। तो भाई मैं सुपर वीपीएन से कनेक्टेड हूँ। आपको ये वीपीएन से कनेक्ट हो गए, देन आपको अपने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। और भाई ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आपको अपना वीडियो सिलेक्ट करना होगा। भाई आपको जिस वीडियो को एडिटिंग करना है और भाई सिलेक्ट करना आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना होगा। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे जो वीडियो है यहाँ पे आपके कैपकट एप्लीकेशन में कुछ वैसे ओपन होकर आ जाएगा। भाई यहाँ पे हमारा नॉर्मल सा वीडियो, आपको भी अपने वीडियो को वैसे कैपकट एप्लीकेशन में ओपन कर देना होगा। भाई ओपन करने के बाद इसे हमें एडिट करने के लिए आपको अपने वीडियो पे क्लिक करना होगा। वीडियो पे क्लिक के बाद आपको नीचे से एंड में आना होगा हल्का। तो यहाँ पे आपको एक रीटच का ऑप्शन दिख जाएगा। तो भाई आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक में जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है फेस का, तो आपको इसे फेस पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप फेस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो भाई जो तीसरा ऑप्शन दिख रहा है इस मूड का, तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। भाई इस पे क्लिक में आपको इसे पूरा 100% करना होगा। जैसे आप 100% करेंगे यहाँ पे जो वीडियो है वो थोड़ा सा स्मूथ जगह यहाँ पे देख सकते हो। तो भाई उसके बाद जो ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली इस पे चले आना होगा। और भाई इस पे आने बाद ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना होगा। और भाई फर्स्ट वाले पे क्लिक, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको इसे माइनस करना होगा कुछ इस प्रकार से। और भाई माइनस करने बाद जो नीचे वाला दिख रहा है आपको इसे पूरा 100% प्लस करना होगा कुछ इस प्रकार से। और भाई जैसे आप प्लस करेंगे यहाँ का जो चेहरा है यहाँ पे थोड़ा सा लाइट आ जाएगा, जिससे आपका चेहरा दिखने में और भी ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे इस प्रकार से कर लेना होगा। और भाई करने बाद आपको यहाँ पे बैक चले जाना होगा। भाई बैक आने के बाद आपको फिर हल्का सा एंड में आना होगा। भाई हल्का सा एंड में आएंगे तो यहाँ पे ये जो ये ऑप्शन दिख रहा है सिंपली आपको इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक आपको इसे पूरा 100% करना होगा। भाई इससे ये करने से ये होगा कि आपका जो चेहरा वो काफी ज्यादा लाइट आ जाएगा यहाँ पे दिखते। और भाई उसके बाद जो ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली इस पे क्लिक करना होगा। भाई इससे ये होगा जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि हमारा जो दांत यहाँ पे दिख रहा है, तो आप जब इसे पूरा 100% करेंगे तो यहाँ पे जो दांत है इसमें थोड़ा सा लाइट आ जाएगा, जिसे दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आपको इस से फूल करना होगा। फूल करने बाद आपको यहाँ पे जो फेस के बगल वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक में ये जो दूसरा वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पे क्लिक करके आप अपने फेस को यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने वीडियो के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल इसे हम यूज नहीं करने वाले, आप इसे यूज कर सकते हैं। और भाई इतने सब करने बाद आपको यहाँ पे मेकअप वाले ऑप्शन पे चले आना होगा। भाई यहाँ पे आपको वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। और जैसे मेकअप पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इसमें बहुत सारा आपको मेकअप करके ऑप्शन दिख जाएगा। तो भाई आपको सिंपली एंड वाले जो फिल्टर दिख रहा है आपको इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने बाद आपको इसे पूरा 100% करना होगा। जैसे 100% के यहाँ पे थे हमारा जो चेहरा कुछ वैसे एडिट होके आ गया, हमारा जो मतलब वोट देख रहे हैं वो थोड़ा सा रेड हो गया है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से पूरा 100% कर लिया। और भाई करने बाद आपको यहाँ पे ये जो वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको ये सिंपली इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पे क्लिक करके आपको इसे पूरा माइनस करना होगा। जैसे आप इसे माइनस करेंगे आपको जो यहाँ पे आंख है यहाँ पे नॉर्मल सा हो जाएगा। और होने के बाद आपको यहाँ पे उसके बगल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक आपको ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपल इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक आपको इसे पूरा 100% करना होगा। जैसे 100% करेंगे आपके आंखों के साइड साइड में थोड़ा सा मेकअप सा अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसे यूज कर सकते हैं अपने वीडियो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा कम कर लेता हूँ इस प्रकार से। ये जो लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक ये जो आपका ओठ है यहाँ पे बहुत सारा कलर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब फर्स्ट करेंगे तो इस प्रकार से होगा, और यहाँ पे सेकंड पे इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगता है यहाँ पे आप अपने ओठ को यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे देखते बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे जो दूसरा दिख रहा है वो काफी ज्यादा अच्छा लगा, तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से कहता। और भाई करने बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में क्लिक करना होगा। क्लिक करने बाद यहाँ पे आपका जो वीडियो है कुछ इस प्रकार से एडिट होके आ जाएगा। मैं आपको वीडियो को थोड़ा सा चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा वीडियो दिखने में वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे दिख सकते हैं। और भाई इतना सब करने बाद यहाँ पे आप अपने वीडियो में थोड़ा बहुत लाइट को भी अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे आपको बैक चलाऊंगा। बैक करने बाद आपको यहाँ पे हल्का सा एंड में, तो यहाँ पे आपको एक एडजस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो भाई आपको इसे एडजस्ट पे क्लिक करना होगा। और भाई इस पे क्लिक में ये जो ब्राइटनेस का ऑप्शन दिख रहा है आपको ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पे चले आना होगा। और भाई आप इसे अपने वीडियो के अकॉर्डिंग इसे आप इसे अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे मैं इस प्रकार से कर लूंगा 5%। आपको इसे ज्यादा यूज नहीं करना होगा, भाई आपको हल्का हल्का सा बस यूज करना। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से सैचुरेशन वाले ऑप्शन पे भी आके आपको इसे लगभग 5-10% इस प्रकार से करना होगा। करने बाद आपको यहाँ पे फिर राइट साइड में क्लिक करना होगा। आप इसे यूज कर सकते हो थोड़ा बहुत, भाई आप इसे बस थोड़ा यूज करेगा। और भाई इतना सब करने बाद हमारा जो वीडियो यहाँ पे सेफ एडिट हो गए यहाँ पे दिखते हो। और भाई एडिट मत, ये जो एंड में वाटर मार्क बचता आपको इसे डिलीट करना होगा, क्योंकि भाई इस वीडियो के अंदर अब इसका कोई काम नहीं। और भाई हमारा जो वीडियो यहाँ पे थे वो एडिट होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखते हैं। आपको भी अपने वीडियो को कुछ इस प्रकार से एडिट करना होगा। और भाई एडिट करने के बाद इसे अपनी गैलरी में सेव करेंगे। तो भाई गैलरी में सेव करने के लिए आपको देखते हैं ऊपर एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो भाई आपको इस पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये जो वीडियो है वो आपके गैलरी में बहुत ही तेजी से सेव हो जाएगा।